न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 23 अक्टूबर को गोरखपुर आएंगी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत, करेंगी कई योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। अब जिले के थानों पर 23% अनुसूचित जाति के थानेदारों का होगा कब्जा। वनटांगिया, मुजहर और थारू जाति के लोगों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास। अनुसूचित जाति जनजाति के चेयरमैन ने कहा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर लगे लगाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल के आने को लेकर तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन के आला अफसरों ने किया दौरा, कुलपति संघ किया तैयारियों का निरीक्षण, दिखे संतुष्ट। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन ब्रिजलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधित बैठक। आयोग के नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। तमतमाए पाकिस्तान ने भारत से बिना बताए किया डाक सेवा को बंद। परवर डाक अधीक्षक ने कहा, भारत ने भी 18 अक्टूबर से पाकिस्तान जाने वाले डाक सेवाओं पर लगाई रोक। जिला महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड कक्ष के सामने महिला मरीजों ने जमकर काटा बवाल, धन उगाही का लगाया आरोप। जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, जिनको टोकन नहीं मिलता वो लगाते हैं झूठा आरोप। DDU के 38वें दीक्षांत समारोह में अपने कुलाधिपति के स्वागत को तैयार है गोरखपुर विश्वविद्यालय। होनहारों को मिलेगा गोल्ड मेडल। 23 अक्टूबर को होने वाले 38वें दीक्षांत समारोह का किया गया पूर्वाभ्यास, तैयारियां पूरी। जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई 6 नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए चिकित्सकों को दिए निर्देश, कहा ईमानदारी से करें कार्य। SSP के निर्देश पर एंटी रोमियो की टीम ने किया हुक्का बार में चेकिंग, दी चेतावनी, कहा 18 वर्ष से कम उम्र वालों को नहीं होने दें हुक्का बार में प्रवेश। जिला महिला चिकित्सालय में क्वालिटी इंश्योरेंस के पैरामीटर पर असेसमेंट के संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से पहुंची 2 सदस्यीय टीम। लगातार 3 दिनों तक 12 डिपार्टमेंट का करेंगे गहनतापूर्वक जांच। उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ के मंडली सम्मेलन हुआ संपन्न। चकबंदी विभाग को राजस्व विभाग में विलय की सराहना। विभिन्न समस्याओं को लेकर 21 नवंबर के निकलने वाले मशाल जुलूस की सफलता की बनी रणनीति। सरस्वती विद्या मंदिर महिला PG कॉलेज आर नगर के गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं ने हस्त वस्तुओं से निर्मित सामानों की लगाई प्रदर्शनी। पूर्व महापौर ने कहा, शिक्षा के साथ छात्राओं का होगा कौशल विकास। और सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जेके लाल ने महाविद्यालय के क्रिकेट ग्राउंड पर बॉलिंग मशीन और नवनिर्मित पवेलियन का फीता काट कर किया उद्घाटन। खिलाड़ियों को और बेहतर खेलने के लिए किया प्रेरित।